Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 2 by Brain Root series. And this is a book, Literary Journeys. Today we are going to start Chapter 6 and the name is What is a Bird? So children, do you know what is a bird? Let's read What is a Bird. Let's start with the warming up exercise. This lesson is about birds and the different characteristics that they possess. तो ये जो chapter है ये birds के बारे में है, उनकी क्या क्या characteristics हैं ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे. उनकी body कैसी है, उनके features क्या होते हैं body के, wings, feathers, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हम पढ़ने वाले हैं. After this, reading this chapter, we will come to know many things about bird. तो bird के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा information मिलेगी इस chapter को पढ़ने के बाद. So let's start the chapter. What makes a bird? Bird को bird क्या बनाता है? Asked grandpa one morning as he was walking in the park with the children. तो एक दिन grandpa बच्चों के साथ park में घूम रहे थे और उन्होंने बच्चों से पूछा कि bird को bird क्या बनाता है? Is this a riddle or a question? Mahi inquired. Mahi ने कहा कि grandpa आप बताओ कि क्या आप ये riddle पूछ रहे हो या question पूछ रहे हो? So grandpa ने क्या बोला? What is the difference? If it is a riddle, Mahi said, then there must be a clever answer. तो grandpa ने कहा कि ये तो बताओ कि riddle और question में क्या difference होता है? तो Mahi का reply आया कि अगर ये एक riddle है तो इसका एक आंसर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा चालाकी भरा क्लेवर आंसर होगा. फिर अचानक से ईशा ने बोला, उसने क्या बोला? एंड इफ इट इज़ अ क्वेश्चन, अगर ये एक क्वेश्चन है, द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, तो इसका एक नॉर्मल सा आंसर होगा, इजंट इट? तो बताइए ग्रैंडपा, ये रिडल है या फिर एक क्वेश्चन है? सो ग्रैंडपा ने क्या बोला? नॉट रियली. Why don't you two try to answer the question? अब आप इस बात पे क्यों ध्यान दे रहे हो बच्चों? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो. Well, said Mahi, thinking aloud, it is because it flies. तो Mahi ने कहा कि इन्हें बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उड़ सकती हैं. तो अब ईशा का क्या रिप्लाई आया? Not all birds fly. सारी बर्ड्स नहीं उड़ सकती हैं. Penguins don't, neither do ostriches. नॉर कीवी बर्ड्स. अभिषा ने कहा ना तो पेंगुइन उड़ सकती है, ना ही ऑस्ट्रिचेस उड़ सकते हैं और ना ही कीवी बर्ड्स उड़ सकते हैं. ये भी तो बर्ड्स हैं. अब Mahi ने क्या बोला? ऑफ कोर्स. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा फिर तुम बताओ ईशा. इट इज सिंपल, बर्ड्स हैव विंग्स. ईशा वॉज श्योर ऑफ हर आंसर. ईशा ने कह रही इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है क्योंकि उनके पास पंख होते हैं इसलिए उन्हें बर्ड्स कहा जाता है. तो अब रिप्लाई आता है ग्रैंडफादर की तरफ से कि लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स हैव विंग्स, बीज एंड बटरफ्लाइज एंड मोथ्स. तो ग्रैंडफा ने कहा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं जिनके पास पंख होते हैं, जिसमें बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, मोथ्स होते हैं, इन सब के पास पंख है, तो क्या ये भी बर्ड कहलाएंगी? What about bats? Bats के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? They are neither birds nor insects, but they have wings and can fly. Mahi grinned to her sister. Mahi ने अपनी बहन से बोला, हंसते हुए, चालाकी भरे हंसी से भरते हुए उसने बोला कि तुम्हारा bats के बारे में क्या ख्याल है? ना तो उन्हें birds कहा जाता है, ना ही उन्हें insects कहा जाता है, लेकिन उनके पास wings भी हैं और वो उड़ भी सकती हैं. The question is not so easy as it seemed. जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं, ये question इतना easy नहीं था. ईशा looked thoughtful. अब ईशा सोचने लगती है कि grandfather के इस question का क्या answer दूँ. Let's see, is it because birds have beaks? Most other animals have teeth. So अब ईशा ने सोचते हुए बोला कि ऐसा तो नहीं grandpa कि जो birds हैं उनके पास beak होती है, जैसे कि आपको यहाँ picture में दिख रहा है उनके पास चोच होती है, और जो बाकी एनिमल्स होते हैं उनके पास टीथ होते हैं खाने के लिए, तो क्या ही ये रीज़न तो नहीं है कि इन्हें बर्ड्स कहा जाता है? तो ग्रैंडपा ने क्या बोला? दैट इज़ अ गुड गेस. ये तो बहुत अच्छा तुमने गेस किया है, लेकिन बट इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. ये सही आंसर नहीं है. सम इंसेक्ट्स हैव स्नाउट्स विच आर कॉल्ड बीक्स.
कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी लंबी सी नोज होती है, जिन्हें स्नाउट्स कहते हैं, और वो बीक भी कहलाते हैं. सो यू हैव टू ट्राई अगेन. बीक इज नॉट द करेक्ट आंसर. इज इट बिकॉज दे मेक नेस्ट एंड ले एग्स? कहीं ऐसा तो नहीं ग्रैंडपा कि ये जो बर्ड्स हैं ये अंडे देते हैं, नेस्ट बनाते हैं, इसलिए इन्हें बर्ड्स कहा जाता है? माही गेस, माही ने गेस किया. कहीं ये रीजन तो नहीं है? तो अब क्या रिप्लाई आया? ईशा इन्फॉर्म माही दैट एंट्स, फ्रॉग, स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल्स, फिश टू ले एग्स. ईशा ने माही से कहा कि अरे ये जो एनिमल्स हैं ये भी तो अंडे देते हैं, ये थोड़ा बर्ड्स कहलाते हैं. नॉट ऑल बर्ड्स मेक नेस्ट माही, सेड ग्रैंडपा. तो ग्रैंडपा ने कहा सारे बर्ड्स जो है नेस्ट नहीं बनाते. सम ले देयर एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट. कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में जाके अंडे दे देते हैं, और कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो ग्राउंड पे अंडे देते हैं. सम ले एग्स ऑन द ग्राउंड. यू टेल इज द आंसर ग्रैंडपा, माही सेड गिविंग अप. अब माही ने तो हार मान ली थी, उसने कहा कि ग्रैंडपा आप ही मुझे आंसर बता दो, मुझे तो नहीं सुन में आ रहा है. थिंक अगेन ग्रैंडपा एनकरेज द चिल्ड्रन. ग्रैंडपा ने दोबारा से बच्चों को एनकरेज किया, अरे सोच लो, तुम्हें इसका आंसर पता है, सोचो तो सही, तुम जल्दी ये हार मार रहे हो. वॉट डू बर्ड्स हैव दैट अदर एनिमल्स डोंट हैव? ऐसा क्या है बर्ड्स के पास जो दूसरे एनिमल्स के पास नहीं होता? माही एंड ईशा थॉट फॉर अ वाइल एंड दे आंसर टुगेदर. अब दोनों ही बहनों ने एक साथ सोचा और एक आंसर दिया एक साथ. फेदर्स, आई नो फेदर्स, हमें पता चल गया इसका सही आंसर फेदर है ना ग्रैंडपा? तो ग्रैंडपा ने क्या बोला? दैट इज राइट, तुम सही कह रहे हो. क्लैपिंग हिज हैंड्स, अपने हाथ को क्लैप करते हुए कि वाह यू आर राइट, सही आंसर है फेदर्स. बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फेदर्स. बर्ड्स ऐसी इकलौती एनिमल्स है जिनके पास पंख होते हैं, whether big or small, चाहे वो बड़ी बर्ड हो या छोटी बर्ड हो, flying या फिर swimming हो, means चाहे वो उड़ने वाली बर्ड हो या swim करने वाली बर्ड हो, या फिर walking बर्ड हो, जितने भी birds हैं सबके पास feather होते हैं, और feather देख के ही आप sure हो सकते हो कि वो एक bird है. So children, this was the chapter. Now let's move on to glossary. So the first word is obvious, which means clear, एकदम साफ साफ. Grin means smile, showing one's teeth, अपने दांतों को दिखा के हंसना. Thoughtful, deep in thought, सोचना. Inquired, ask for information, किसी चीज के बारे में पूछना. Really means actually, simple मतलब normal. Guess, an answer not based on correct information, as a answer जो जिसके लिए आप श्योर ना हो. Snout, long extended nose and jaws of small animals. And informed का मतलब है having knowledge or information about something, किसी चीज के बारे में knowledge होना. So now let's move on to book exercise children, which is comprehension. A part is multiple choice questions. So the first one is, who was asking questions to the children? कौन बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा था? So grandmother, grandfather, father or mother? So he was grandfather. Do all birds fly? क्या सारी birds उड़ती हैं? No. What do birds have that other birds don't have? क्या birds के पास होता है जो दूसरे birds के पास नहीं होता है? वो है feather. Now let's move on to B exercise. Fill in the blanks using help box. तो हेल्प बॉक्स की मदद से हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज डैश वॉज वॉकिंग इन द पार्क विद द चिल्ड्रन. कौन पार्क में बच्चों के साथ घूम रहे थे? सो ही वॉज ग्रैंडपा. ऑस्ट्रिचेस एंड कीवीज आर ऑल्सो, ये क्या हैं? ये भी तो बर्ड्स ही हैं. नेक्स्ट, सम डैश हैव इन स्नाउट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड बीक्स. So, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके पास स्नाउट होता है जिसे बीक कहते हैं. सिमिलरली डू द रेस्ट टू क्वेश्चंस योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी पार्ट, व्हिच इज राइट, ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस.
सो द फर्स्ट वन इज व्हाट मेक्स अ बर्ड अ बर्ड आस्क ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर ने पूछा कि बर्ड को बर्ड कौन बनाता है. सो क्या ग्रैंडमदर ने पूछा था? नो, दिस इज फॉल्स. नॉट ऑल बर्ड्स फ्लाई, ईशा सेड. एंड व्हाट अबाउट कैट्स? माही ग्रिन. सो डू दिस योर सेल्फ. Now some insects have snout called beaks. Yes, true. All birds make nest to lay eggs. False again. So you have to do the two questions yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. So children, here the first question is, what did Mahi inquire from her grandpa? So this question is to be done by you. Next, name the birds that cannot fly. So the birds that cannot fly are ostrich, kiwi, and so on. Now, what did grandpa say about bats? So grandpa told about bats that they are not animals. They are neither animals nor birds. Next, what are snouts? Do it yourself. Why did grandpa encourage children? Do it yourself. And what do birds have that other birds don't have? So birds have feathers that other birds don't have. So these are the answers, children. Like this, you have to write the answer of the rest of the questions that is given to you. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.